हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर जे स्टेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एस एस सी जे डी 2018 की ज्वाइनिंग लेटर, वो अभी तक क्यों नहीं आया, वो संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल आर जे स्टेट में देगी। और एस एस सी जे डी का जो भी नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, आप बताओ करके उसको आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जारी देंगे कि यानी कौन सी योग्यता पर आप पेपर दे सकते हैं, कब तक इसका जो भी यानी अप्लाई फॉर्म अप्लाई करने की डेट आएगी, वो संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल आर जे स्टेट में देंगे। दोस्तों, जो अंत तक वीडियो में बने रहे दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आर जे स्टेट में सब्सक्राइब लीजिए। जो भी एस एस सी जे डी से जुड़ी न्यूज़ है वो सर अपना हमारे यूट्यूब चैनल आर जे स्टेट में दे बता देते हैं। दोस्तों, एस एस सी जे डी कुछ कुछ बताओ का आपका एस एस सी जे डी के अंदर ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके, जैसे सी आर पी एफ के कुछ के हो चुके, कुछ तो कुछ के रिलेटेड आए, कुछ के नहीं आए हैं, जैसे एन आई ए होता है उनका भी आज का है, यानी नेशनल इंडिकेटिव एजेंसी, और वो एक और होती है सी आर पी एफ और एस एस एफ, उनके कुछ यानी राइफल कॉन्स्टेबल भी होती है इस वगैरह, उनके कुछ के आप बताओ कि अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया दोस्तों। तो बताओ कि आपके साथ जल्द ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है दोस्तों। तो जैसे ये होली से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको बताओगा कि यह यानी 15 मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों पता मिलने ही वाला है दोस्तों। यह आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो आपको डाक को ऑफिस के थ्रू आपके घर पहुंच सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑनलाइन आपको यह ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा दोस्तों। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उससे कोई भी आपको यानी उसके बारे में कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और जो उसके संबंधित जानकारी ले सकते हो। तो आप बताते हैं कि इससे संबंधित जो भी यानी जे डी कॉन्स्टेबल से जुड़ी हुई वो न्यू नोटिफिकेशन है वो क्या है उसके बारे में हम आपको साइट पर चलकर जानकारी देती थी दोस्तों कि अभी क्या चल रहा है। पहले आप इससे पहले आप हम दोस्तों बताने चाहते हैं कि दोस्तों कि आप बताओगे कि अभी दिल्ली में बहुत बड़ा हंगामा यानी आंदोलन के रूप में चल रहा है, सरकार उस पर लाठीचार्ज दे रही है, तो आपको बताओगे कि उसमें महिलाएं बहुत संख्या में भाग ले रही है। तो दोस्तों यह जल्दी उसका कोई यानी जिसकी सेकेंड लिस्ट है वो भी आने की संभावना है दोस्तों, तो क्योंकि उसकी भी जल्दी अब सेकेंड लिस्ट सरकार को जारी करनी होगी। जैसे सेकेंड लिस्ट आएगी दोस्तों तो आपको पता है कि उसके अंदर यानी जो 55,000 कैंडिडेट रहे हैं उनमें से कुछ कैंडिडेटों को ले सकते दोस्तों, क्योंकि वो सेकंड लिस्ट है, वो वेटिंग लिस्ट होती है, वो भी आ सकती है दोस्तों। जैसे ही उसके आएगी तो संपूर्ण न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल आप दे दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बता देती है कि इसका यानी नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या देख सकते हो दोस्तों। हम बताया गया कि 10वीं पास के लिए दोस्तों आवेदन शुरू होने के लिए कौन से जे डी कॉन्स्टेबल भर्ती है वो संपूर्ण यानी आपको संबंधित पूरी डिटेल दी गई यहाँ पे, देख सकते हो दोस्तों कि यह कब तक शुरू होगी उसकी बता देते हैं आपको। नीचे चलते हैं एस एस सी जे डी से संबंधित, देख सकते हो आप यहाँ पर बताइए कि दोस्तों की एस एस सी जे डी से जुड़ी संबंधित है वो 25 मार्च से भर्ती है वैसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, यानी 25 मार्च को आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। और 25 यानी 2 अगस्त से 25 अगस्त तक कंप्यूटर अधिकृत यानी परीक्षा की जाएगी दोस्तों। इसके तो पता है आपको 2 अगस्त से 25 अगस्त तक दोस्तों इसकी परीक्षा होगी। 10 मई से इन पदों के लिए आप बताओगे दोस्तों कि 10 मई 2021 इन पदों के एस एस सी को आप इन पदों पर आपको एस एस सी भर्ती के लिए कॉन्स्टेबल सीमा सुरक्षा यानी बी एस एफ और ये भर्तियाँ होंगी बी एस एफ सी आर पी एफ और सभी यानी भारतीय तिब्बत सीमा और एस एस एफ और इनके सभी की भर्तियों का आप उम्मीदवार देख सकते दोस्तों कि 10वीं पास पर ये पेपर होगा। आप जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो दोस्तों 25 मार्च यानी 25 मार्च के बाद आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते दोस्तों, और पेपर होगा वो जल्दी होने वाला 2 अगस्त यानी 2 अगस्त से 25 अगस्त होगा दोस्तों। ये पेपर ऑनलाइन होगा आप बता दिए दोस्तों। तो जैसे ही कोई एस एस सी जे डी से जुड़ी न्यूज़ आएगी सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल आर जे स्टेट बता दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।